हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। मैं हूँ विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। पहले जान लेते हैं कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया क्यों जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है अपने हिसाब से बॉर्डर बनाने के लिए। मतलब इसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे वहाँ पर बॉर्डर बन जाएगा। और इसमें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आप बॉर्डर की थिकनेस भी बदल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें समझेंगे। तो इसके लिए हमको जाना ऊपर के रिबन में होम टैब में। ये रहा होम टैब, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर जाइए फॉन्ट वाले सेक्शन में और इसके ठीक ऊपर ये देखिए बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है। इसके बगल में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्रॉ बॉर्डर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ये है ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमें दोबारा से यहाँ पर जाना है, मतलब इसी फॉन्ट वाले सेक्शन में ऊपर बॉर्डर के बगल में इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक कर देना है। अब की बार हमें क्या करना है, हमें नीचे जाना है लाइन स्टाइल में। तो जब यहाँ पर कर्सर अपना ले जाएंगे तो राइट साइड में देखिए आपको लाइन से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। सबसे नीचे वाला हम ले रहे हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी जो लाइन की जो विड्थ है उसको थोड़ी सी बढ़ानी है। तो हमने इसको यहाँ से क्लिक कर दिया। उसके बाद हमें दोबारा से जाना है इसी फॉन्ट वाले सेक्शन में और इस बार हम क्या करेंगे कि लाइन का कलर बदल देंगे। आप चाहें तो कलर भी बदल सकते हैं। ये सब मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो ऑप्शन आपको लेना हो आप ले सकते हैं और जो छोड़ना हो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये है लाइन का कलर। जब कर्सर यहाँ ले जाएंगे तो राइट साइड में बहुत सारे कलर के ऑप्शन है, जिस पर भी आप क्लिक करेंगे। मान लीजिए कि हम रेड कलर का बॉर्डर चाहते हैं तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब ये देखिए पेंसिल जैसा साइन बन करके आ गया। अब इसमें बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। जिस बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे वो देखिए बदल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। आप चाहते हैं पूरे कॉलम को बदलना, नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, देखिए पूरा कॉलम बदल गया, ठीक है। जहां आप जैसे चाहते हैं वैसे आप बॉर्डर बना सकते हैं। देखिए मैं बनाता जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, जहां आप जैसे चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।